सपना था सर, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। फोन उठाइए सर। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? नहीं, रेलवे स्टेशन से। सॉरी, रॉन्ग नंबर। 100 डाल के तो पुलिस स्टेशन से ही बोलूंगा ना। बोल, क्या हुआ? अब तो सब कुछ हो गया, और क्या होना चाहिए। ऐसा तो फोन रखो। हेलो सर, गुरुपुर ब्रिज के नीचे एक बॉडी पड़ी हुई है। अरे पड़ी रहने दो, बाद में उठ जाएगी। अरे लाश कैसे उठेगी? लाश, मैं लाश के बारे में बोल रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ और मुंह बंद करो। आपका नाम? मैं इतना सीरियस मैटर तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें मेरे नाम की पड़ी हुई है। जल्दी आ गए तो तुम्हें बॉडी मिल जाएगी, और लेट हो गए तो तुम्हें सिर्फ हड्डियाँ मिलेंगी। बोलो क्या चाहिए। दिन भर आवारा की तरह घूमता रहता है और रात को थाने में सो जाता है। जहाँ जाकर जाने से कार की चाबी लेकर आ। गुरु, गाड़ी रेडी, टेक इट। अल्लाह, क्यों गुरु, क्या बात है, क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों हो? वो गुरुपुर ब्रिज के नीचे कोई बॉडी पड़ी है। फोन आया था। हाय जो, कुछ खाएगा? नहीं, खिलाओगे क्या? नहीं है, चलना। सर सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो रही है सर। गड़बड़ यहाँ नहीं, गड़बड़ यहाँ पर कभी नहीं होती है, हमेशा यहाँ पर होती है, बहाने बनाता है। शटी, तुझे क्या हुआ? हाँ सर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ सर, मैं आता हूँ ना सर, मैं चलता हूँ। चलो फिर। हाँ सर, बाय जो, कभी और खिलाता हूँ। ऑल द बेस्ट गुरु। इसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसे। जानी, सेव मी जानी, प्लीज सेव मी जानी, प्लीज। बोलो ना पास मत आ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, काट कर रख दूंगा इसे। पापा जो किसी पर अन्याय नहीं किए उन्हें मारकर और उनके कातिल को पकड़ूंगा, ऐसा मेरे सामने नाटक कर रहे थे। मेरे पापा की जान तुम ही ने ली है, अब तुम्हारी जान मैं लूंगी। गलत कर दिया मैडम, अपने साथ।
कितनी शानदार है, एकदम मदहोश कर देती है। लाइट नहीं है क्या? बॉस, विलेन हमेशा अंधेरे में रहता है, ये मूवी में देखा है, इसीलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी है बॉस। ए, अंधेरे में रहने वाला सिर्फ विलेन होता है। लेकिन इस तरह ब्राइट लाइट में व्हाइट सूट वाला विलेन का भी विलेन होता है। इस तरह ब्राइट लाइट में रहने वाले विलेन को अंधेरे में रखकर तुमने ब्लैक कर दिया है, ये ठीक नहीं किया मैं। हमने क्या किया बॉस? मुंबई में मिर्ची बॉस का नाम सुनते ही विधानसभा की कुर्सियां भी थर 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 कांपने लगती हैं। लेकिन हमारी विधानसभा तो बेंगलुरु में है बॉस। ये तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। ए, मैं पैदा हुआ हूँ इस शहर की मिट्टी में और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मैंने पहली सुपारी ली, पर सारा खेल खराब कर दिया तुम लोगों ने। ऐसा क्यों किया बॉस? उसे चेस करके पकड़ा बॉस, उसका सर काटने के लिए तलवार निकाला ही था बॉस कि उसने कहा गुरु तलवार में धार नहीं है, तलवार में धार कराने के लिए लेके गया बॉस। और वो आदमी और तलवार दोनों ही नहीं आए क्या? आपको कैसे पता बॉस? तुम लोगों की मदद से मैं इस शहर में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन अगर तुम लोगों के साथ रहा तो मैं समंदर से एक भी शंख नहीं पकड़ पाऊंगा रे। नो प्रॉब्लम, बड़े बड़े लोग हारने के बाद ही तो जीतते हैं। अब दूसरी डील सही करके आओ, लेके आओ उसे। इधर लाओ मिर्ची बॉस। क्या तुम्हें पता है मैं इतना हॉट क्यों हूँ? क्योंकि मिर्ची खाने के बाद आग लगती है, मिर्ची लगती है। खाओ 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 खाओ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई डरे। खाओ खाओ खाओ, मैं आपका घर छोड़ दूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं दूर जाकर जीऊँगा। जी लेगा तू? कैसे जिएगा तू? अगर दूसरे की जिंदगी के साथ खेलेगा तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा होगा रे, ये तो बता। तो आप लाश हैं क्या बॉस? शमशान की लाशों की देखभाल करने वालों को लाकर पाल रहा हूँ मैं, उन्हें पैसे दे रहा हूँ क्या? क्या मैं लाश हूँ? भाई मैंने क्या गलती की है बताइए भाई। तूने क्या गलती की है ये बात भी तू मुझसे ही सुनना चाहता है? अरे सब कुछ मैं ही बोलूंगा क्या? बोलिए भाई बोलिए, हम सुन रहे हैं ना। सुनो, मैं एक सुपारी किलर हूँ, मैं सुपारी बेचने वाला नहीं हूँ। दोनों एक ही है बॉस। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ध्यान से सुनो, तो बात यह है, इसके होटल ओनर ने इसे चावल देकर कहा कि इसमें से पत्थर चुनो, और उसके जाते ही इसने उसकी बीवी को उठा लिया। ये बताओ क्या सही बात है? अरे यार ये काम तो हम लोग करते हैं। ऐसा है क्या बॉस? उसके क्या बात में? नहीं, नहीं, भाई मैं उसको लेके नहीं गया, वो ही मुझे लाई है। दोनों एक ही है बॉस। भाई चाहे तो आप मुझे तेल में पकाओ, लेकिन ऐसे मिर्ची मत लगाओ। मिर्ची लगाने से मेरे शरीर में जलन होती है भाई, क्योंकि मुझे पाइल्स है। अरे देखो दोनों साइड से मैंने ही सुपारी ली है, और एक साइड से बात करने के बाद ये पता चला कि दोनों साइड की बराबर गलती है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। ये मिर्ची बॉस एक बार सुपारी लेने के बाद अपने दिल में जो बात आती है वो भी नहीं सुनता। सॉरी,
बिल्कुल नहीं सुनता क्योंकि मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। शुरू करो। नाइस सॉन्ग बट रॉन्ग प्लेस रॉन्ग पर्सन। हेलो मिर्ची हियर। उधर कौन है? मुझे मिर्ची बॉस से बात करनी है। मिर्ची बोल रहा हूँ, क्या बात है बोलो। मैं तो संगीत का एक सुर है, सारे गामा पाधानी सा। मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं काटने वाला कसाई हूँ। बोलो किसको काटना है? मेरे भाई को। वेरी नाइस। और तीसरे दिन छोटा भाई बड़े भाई का श्राद्ध रखेगा। नाइस है, लेकिन हम जो हमारा काम करते हैं वो नहीं छोड़ेंगे। तो एनी फोटोज? ओह वेट, क्योंकि हमारी ज्यादा है रेट। मिर्ची ग्राउंड में उतर आया, अब सब देखते जाओ क्या क्या होता है। मिर्ची मिशन। रोजी